नमस्कार दोस्तों, मैं विनय दुबे मुंबई से। आज मैं इस वीडियो के माध्यम से सबूतों के साथ आपको ये दिखाने की कोशिश करूंगा कि दरअसल मणिपुर में जो हो रहा है और जो दिखाया जा रहा है वास्तविकता उससे बहुत कोसों दूर है, और वो भी सबूतों के साथ उसका मैं आज एक्सपोज करने जा रहा हूँ। मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ कि आखिर मणिपुर को कौन जला रहा है। मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ, दिखाने जा रहा हूँ और आसान भाषा में समझाने जा रहा हूँ कि मणिपुर का आज जो जलना है दरअसल उसकी शुरुआत कब से हुई है। आज जो जलता हुआ मणिपुर आप देख रहे हैं, जहाँ पर इंसानियत लगभग मर चुकी है। मैं ये इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि एक लड़की का वीडियो बहुत वायरल हो रहा है। 21 साल की लड़की को नंगा किया गया, नग्न अवस्था में उसे सड़कों पर दौड़ाया गया, सैकड़ों की भीड़ ने उसका पीछा किया, कितनों ने उसके योनि उसके स्तनों को नोचा, बहुत सारे लोगों ने अपने हवस का शिकार बनाकर उस लड़की के साथ गैंग रेप किया, और यहाँ पर भी उनका मन नहीं भरा तो उन्होंने उस लड़की की हत्या कर दी। क्या कोई इंसान इस लेवल तक जा सकता है, इतनी नफरत अपने दिल में पाल सकता है? इसका जो संबंध है वो मणिपुर के इतिहास के साथ है। अगर आप इसके इतिहास को नहीं जानेंगे तो मणिपुर का जलता हुआ वर्तमान आपको तनिक भी समझ में नहीं आएगा। दरअसल नए भारत का ये जो जलता हुआ मणिपुर है उसका संबंध है इतिहास के पन्नों में। जी हाँ, 1947, ये सन तो आपको याद ही होगा, जब भारत आजाद हो रहा था और अंग्रेज भारत छोड़कर वापस जा रहे थे। अंग्रेजों ने 200 सालों तक भारत पर राज किया। उनकी सबसे बड़ी जो नीति थी वो थी फूट डालो और राज करो। लेकिन जाते जाते भी अंग्रेजों ने इसी ब्रह्मास्त्र का इस्तेमाल किया, जिसकी वजह से आज मणिपुर की यह हालत है। दरअसल आपको समझना होगा कि जब 1947 में अंग्रेज भारत छोड़कर जा रहे थे तो उस समय राजा महाराजाओं का दौर था। अंग्रेजों को जब वो अपने राज्य सौंप दे रहे थे तो उनके सामने बहुत सारे विकल्प रखे गए। मणिपुर में ऐसी व्यवस्था नहीं थी। अंग्रेजों ने वहाँ के स्थानीय महाराजा बोधचंद्र सिंह के कंधों पर मणिपुर की जिम्मेदारी दी और उसके साथ वो खेल गए वही ब्रह्मास्त्र, जिसकी वजह से आज मणिपुर जल रहा है। अंग्रेजों ने जाते समय बोधचंद्र सिंह को ये कहा और उनको विकल्प दिया कि अगर आप चाहें तो आपके पास 3 विकल्प हैं, उसमें से कोई भी आप चुन सकते हैं। पहला विकल्प था कि वो मणिपुर का विलय भारत के साथ करके भारत का हिस्सा हो जाएं। दूसरा विकल्प था कि वो अपना विलय पाकिस्तान के साथ करके पाकिस्तान देश के साथ चले जाएं। तीसरा विकल्प था कि वो किसी भी देश के साथ ना जाकर एक स्वतंत्र मणिपुर देश का स्थापना करें और अपने आप को स्वतंत्र रखें। बोधचंद्र सिंह को ये बातें समझ में आई, उन्होंने अपनी प्रजा से इसकी चर्चा की। तमाम प्रजा जो मणिपुर के लोग थे उन्होंने इस बात से समर्थन किया कि हमें स्वतंत्र देश के तौर पर ही रहना है और विश्व के अंदर मणिपुरी जो सभ्यता है, संस्कृति है, उसको विश्व पटल पर पहुंचाना है। बोधचंद्र सिंह ने 1948 में एक इलेक्शन या कि चुनाव का एक तरह से उनका सुझाव लेने के लिए एक चुनाव आयोजित किया, जिसमें वयस्क जितने भी मणिपुर के लोग थे उन्होंने अपनी बात वहाँ पर चुनाव के माध्यम से रखी। तमाम लोग चाहते थे कि मणिपुर स्वतंत्र ही रहे, लेकिन रिपब्लिक ऑफ इंडिया यानी आज का जो भारत है उस समय के नेता चाहते थे कि मणिपुर का जो विलय है वो भारत में कर दिया जाए, जिसके लिए वो लगातार मणिपुर के राजा बोधचंद्र सिंह पर दबाव बनाए हुए थे। आखिर बोधचंद्र सिंह इनके दबाव के सामने घुटने टेक देते हैं और 1949 में एक विलय संधि पर हस्ताक्षर किए जाते हैं। बोधचंद्र सिंह भारत में अपने राज्य मणिपुर का विलय कर देते हैं, जिसको लेकर एक खासी नाराजगी वहाँ के स्थानिक लोगों में थी। यहीं से ये विद्रोह शुरू होता है। कुकी समाज का एक आदिवासी समाज है जो अल्पसंख्यक है, वो ज़्यादातर पहाड़ों में और जंगलों में रहता है। उन्हें ये लगने लग गया था कि भारत में विलय के बाद बहुत सारे जाति, बहुत सारे लोग हमारे जंगलों में आएंगे और हमारी जो नैसर्गिक संपदा है उसको नोचेंगे, उसे लूटेंगे और अपने फायदे के लिए हमारे जंगलों को समाप्त कर देंगे। इसी विचारधारा के बाद कुकी समाज में कुछ विद्रोहियों का जन्म हुआ। एक उग्रवादी समूह का उदय उस समय होना शुरू हुआ। 1949 से लेकर 1972 तक वो अपने अस्तित्व के लिए लड़ते रहे। वो अपने जंगल जमीन और सभ्यता को बचाने के लिए बंदूक उठा लेते हैं। उसके बाद एक संघर्ष शुरू होता है। इसी दौरान मणिपुर को भारत सरकार ने राज्य का दर्जा नहीं दिया था। जब ये घटनाएं बढ़ रही थी, उग्रवादी घटनाएं बढ़ रही थी, कुकी समुदाय का सरकार के साथ झड़प, तैयारी चल रही थी, बंदूकें चल रही थी, तो सरकार को लगा कि शायद अगर मणिपुर को राज्य का दर्जा दे दिया जाए तो ये झड़प और ये जो हिंसा है वो खत्म हो जाएगी। लेकिन भारत सरकार गलतफहमी में थी। ये संघर्ष चलते चलते 1972 हो जाते हैं। वर्ष 1972 में भारत सरकार मणिपुर को पूर्ण राज्य का दर्जा दे देती है। वहाँ पर विधानसभा की स्थापना की जाती है
है और संवैधानिक तरीके से सरकार बनाने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। लेकिन कुकी समुदाय को कुछ और ही पसंद था। वो नहीं चाहता था कि वो भारत के साथ जाकर वहां पर शांति स्थापित करें, क्योंकि उन्हें यह डर था कि उनके जंगलों में ये जो बाहर के लोग हैं या फिर जो अन्य जाति के लोग हैं वो घुसेंगे और हमारी संपदाओं को नुकसान पहुंचाएंगे। भारत सरकार भी ये समझ चुकी थी कि ये मामला ऐसे सॉल्व नहीं होने वाला है। 1980 का दौर आया, भारत सरकार ने मणिपुर को अशांत क्षेत्र घोषित कर दिया। सैनिक कार्रवाइयां वहां पर शुरू हुई, आर्मी को वहां पर भेजा गया ताकि ये जो मणिपुर के जो कुकी उग्रवादी हैं इनका सफाया किया जा सके। भारतीय सेना ने भी पूरी ताकत लगाकर ऑपरेशन ऑल क्लियर शुरू किया। इसका पूरा मकसद था कि जंगलों में छुपे हुए जो उग्रवादियों के कैंप हैं, एक तरह से कुकी उग्रवादियों का सफाया करना इस भारतीय सेना का मिशन रहा। ये लड़ाई, ये विवाद, ये हिंसा 2008 तक चलती रही। उसके बाद दौर आया युद्ध विराम का। भारत सरकार, केंद्र सरकार, राज्य सरकार, भारतीय सेना और कुकी उग्रवादियों के समूह ने आपस में बैठकर ये तय किया कि आज के बाद से कोई भी हिंसा नहीं होगी। उग्रवादियों के दमन करने के लिए केंद्र सरकार ने आसफा नाम के एक कानून का इस्तेमाल वहां पे किया। इसका अगर सरल भाषा में मतलब देखा जाए या हिंदी में मैं आपको उसका बात बताऊं तो उसे कहा जाता है सशस्त्र बल विशेष अधिकार अधिनियम। जी हाँ, ये सैन्य कानून का वो नियम था कि सेना के किसी भी अधिकारी को, किसी भी सैनिक को मणिपुर के किसी भी हिस्से में जाने का था अधिकार था, बिना कारण बताए किसी को गिरफ्तार करने का अधिकार था, किसी को भी कार्रवाई करने का अधिकार था। जब ये युद्ध विराम शुरू किया गया उस समय 2008 के दौरान, जब सारे लोग एक टेबल पर बैठे तो उसमें सबसे बड़ी कंडीशन यही थी कि जो आसफा कानून है इसे आप वापस लेंगे, उसके बाद ही इस युद्ध विराम को माना जाएगा। सभी सरकारों ने इस पर सहमति जताई और आखिर में 2008 में कुकी उग्रवादी, केंद्र सरकार, राज्य सरकार और भारतीय सेना के बीच में एक युद्ध विराम का संधि साइन किया गया। उसके बाद सभी को लगा कि शायद ये जो तनाव है मणिपुर के जंगलों को लेकर, जो एक लड़ाई है, जो हिंसा है, वो समाप्त हो जाएगी। इस संधि पर साइन होने के बाद भी कुकी समाज के बहुत सारे लोगों को ये डर था कि शायद सरकार हमारे साथ धोखा कर सकती है और ये जो उग्रवाद था, ये जो हिंसा थी, वो लगातार बढ़ती ही जा रही थी। क्योंकि कुकी उग्रवादियों का एक समूह ऐसा भी था जो इस संधि का पालन नहीं करना चाहता था, उन्हें ये पसंद नहीं था। कुकी समुदाय के इस तरह की हिंसा, बंदूक उठाने और इस तरह से अपने हक को छीनने की लड़ाई को देखकर मैतेई समाज भी अग्रसर हो गया। उन्हें यह महसूस होने लगा कि अगर हम भी इसी रास्ते पर चलते हैं तो हम भी अपने अधिकारियों को छीन के ले सकते हैं। शायद यही कारण था कि मैतेई समाज जो है अपने आप को अनुसूचित जनजाति यानी कि एसटी का दर्जा प्राप्त करने के लिए आंदोलन करने की शुरुआत करता है। ये दौर था 2010 से। दरअसल मैतेई समाज भी चाहता था कि हम शहरों में बहुत ज़्यादा संख्या में हैं, बहुसंख्यक हैं इस देश राज्य के अंदर, हमें भी जंगलों के अंदर जाना है, वहाँ ज़मीनें खरीदनी हैं, व्यवसाय करना है। लेकिन इसका विरोध कुकी समाज के लोग लगातार कर रहे थे। ये जो आपसी तनाव था, जमीनों की जो लड़ाई थी, आपसी जो समुदायों की लड़ाई थी, ये बढ़ता चला गया और 2023 तक इसने अपने चरम स्थिति पर पहुँच गया। आज हालात ये हैं कि जो कुकी समाज हैं वो इस समय पीड़ित की तरफ पे हैं और जो मैतेई समाज हैं वो अपने संख्या के आधार पर इनके ऊपर हावी हैं। दरअसल ये हावी होने का एक कारण ये भी है कि जो कुकी समाज है वो जंगलों के अंदर फैला हुआ है, वो एक जगह बहुसंख्यक संख्या में नहीं है। लेकिन मैतेई समाज के साथ ये फायदा है कि उनकी जो जनसंख्या है एक छोटे से जगह पर बहुत ज़्यादा है कुकी समुदाय के कंपेयर में। यही कारण है कि इस तरह की कुकी समुदाय के ऊपर जो हिंसा हो रही है, मैतेई समाज खुद तौर पर ये करे जा रहा है। लेकिन अब मैं उस पहलू पे लेके जाना चाह रहा हूँ कि आखिर ये हिंसा को क्यों नहीं रोका जा रहा और इस हिंसा के पीछे सबसे बड़ा कारण क्या है। इसके लिए आपको मणिपुर के विधानसभा को समझना होगा। 60 विधायकों वाली ये जो मणिपुर की विधानसभा है, इसके अंदर सबसे ज़्यादा जो विधायक हैं वो भारतीय जनता पार्टी के हैं। अगर इस भारतीय जनता पार्टी की गूगल पर जाकर आप लिंक विधायकों की लिस्ट उठाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि आखिर ये हिंसा क्यों नहीं रुक रही है। जी हाँ, सबसे बड़ा कारण ये है कि जो मैतेई समाज के जो सबसे ज़्यादा विधायक हैं वो चुनकर इस समय विधानसभा में हैं और ख़ासतौर पर बीजेपी के अंदर हैं। 19 जून को जब अमित शाह ने मणिपुर के विधायकों की एक बैठक की थी तो उसमें 30 से ज़्यादा विधायक मणिपुर की तरफ से वहां पर डेलीगेशन के तौर पर बैठे थे, जिसमें अधिकतर जो विधायक हैं वो मैतेई समाज के थे। मैतेई समाज की लड़ाई को विधानसभा के अंदर ये मैतेई विधायक जो हैं ये सपोर्ट कर रहे हैं। शायद यही कारण है कि जो 21 साल की लड़की का बलात्कार और गैंगरेप किया गया उसमें उनके परिजनों का आरोप था कि पुलिस ने खुद इन लड़कियों को उन उग्रवादियों के समर्थन किया जो कि मैतेई समुदाय से थे। यही कारण है कि विधानसभा में बहुत संख्या होने के बाद, मतलब एक तरह से बहुमत होने के बाद, मैतेई समाज के लोग पूरी तरह से सरकार पर हावी हैं। चाहे विधिमंडल हो, चाहे प्रशासन हो,
अधिकतर जो उसमें अधिकारी हैं, अधिकतर जो विधायक हैं, वो मैतेई समाज से हैं। शायद ये सबसे बड़ा कारण है कि अपने ही समाज को फायदा दिलाने के लिए उस तरह के हिंसा का वो मुक्त तौर पर समर्थन कर रहे हैं। अपने आप को अनुसूचित जनजाति में शामिल कराने के लिए मैतेई समाज 3 मई को एक रैली निकालता है। इसके विरोध में कुकी समाज के लोग भी एक विद्रोह करते हैं। इन दोनों समुदाय के बीच में टकराव का असर ये होता है कि प्रदेश में हिंसा फैल जाती है। इसी हिंसा से आपस में लड़ाई झगड़े और हत्याओं से बचने के एक 56 साल का पिता अपने 19 साल के बेटे और 21 साल की बेटी के साथ में अन्य 2 महिलाओं के साथ जंगल की तरफ भागते हैं। उन्हें यह विश्वास था कि शायद हम जंगल चले जाएंगे तो ये हिंसा खत्म होने के बाद हम लौट आएंगे। जंगल में चलते समय उनको वहां पर रेस्क्यू करने के लिए स्थानीय मणिपुर पुलिस पहुंचती है और अपने साथ उन्हें ले जाती है। मैतेई समाज के लोग कुकी समाज के लोगों को खोज खोज कर मार रहे थे। पुलिस को जब पता चलता है कि ये जो 56 साल का पुरुष, 19 साल का बेटा और एक जो लड़की है वो कुकी समाज की है, तो उसके बाद वो उन्हें पुलिस स्टेशन ले जाकर छिपाना चाहते थे, लेकिन रास्ते में ही मैतेई समाज के लोगों का समूह उसे घेर लेता है। पुलिस के साथ हाथापाई होती है और इन तीनों को, इसके साथ में 2 अन्य महिलाओं को वहां से ले जाते हैं। सबसे पहले 56 साल के पुरुष यानी कि पिता की हत्या कर दी जाती है। उन 3 महिलाएं जिसमें से एक की उम्र 21 साल, दूसरी की महिला की उम्र 42 साल, तीसरी महिला की उम्र 52 साल थी, उन तीनों महिलाओं से मैतेई समाज के उग्रवादी कहते हैं कि आप अपने कपड़े उतारिए। इसको देखकर 19 साल का लड़का अपनी बहन की इज्जत बचाने के लिए मैतेई समाज के लोगों से लड़ जाता है। बाद में उसकी पिटाई की जाती है, उसे गोली मारकर उसकी हत्या कर दी जाती। मैतेई समाज के उग्रवादी इन तीनों महिलाओं को ले जाते हैं, उसमें से एक महिला के साथ ये गैंगरेप करते हैं और उसकी हत्या कर देते हैं। इसके बाद 20 दिन बाद तक ये मामला शांत रहता है क्योंकि वहां पर इंटरनेट की व्यवस्था नहीं है। इस महिलाओं के परिजन, इस परिवार के लोग पुलिस स्टेशन जाते हैं और एक शिकायत दर्ज कराते हैं। 18 मई 2023 को वहां पर FIR दर्ज की जाती, लेकिन कार्रवाई को ठंडे बस्ते में डाल दिया जाता है। 2 दिन पहले एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद इस पर पुलिस जो है संज्ञान लेती है। मुख्यमंत्री सामने आते और कहते हैं कि ये कोई एक मामला नहीं है, 100 से ज़्यादा मामले इस तरह के हुए हैं जिस पर FIR दर्ज की गई है। इसका मतलब अगर इस तरह की जानकारी सोशल मीडिया पर नहीं आती तो शायद इस लड़कियों की जो बात है वो मणिपुर के अंदर ही जंगलों में दफन हो जाती, किसी तक ये जानकारी नहीं आ पाती। ताज़ा मामले में जो सड़कों पर निर्वस्त्र कर कर एक लड़की को वीडियो वायरल किया गया, उसमें एक आरोप 32 वर्षीय एक युवक की प्रमुख जो गिरफ्तारी हुई है, जिसका नाम है हुईराम हीरोदास मैतेई। ये मैतेई समुदाय से बिलोंग करता है, आपने वीडियो में देखा होगा। हरी शर्ट पहना हुआ जिसने निर्वस्त्र लड़की को पकड़ा था, ये उसका आरोपी बनाकर उसे गिरफ्तार किया गया। इसके अलावा एक और लड़के यानी कि आरोपी की गिरफ्तारी हुई है, वो भी मैतेई समाज से ही है। इसके अलावा आज सुबह खबर आई है कि ये जो आरोपी पकड़ा गया है, इसके घर को भी एक भीड़ ने गुस्से में जला दिया गया है, जिसकी वजह से वहां पर तनाव बढ़ा हुआ है। दरअसल मैतेई और कुकी समुदाय की जो लड़ाई है वो जंगल और अपनी जमीन, अपनी सभ्यता बचाने को लेकर है। इम्फाल में बहुसंख्यक मैतेई समाज भी ये चाहता है कि वो भी अपने आप को विस्तारित करे, जंगलों में जाए, वहां पर जमीन और व्यवसाय कर सके, जिसका विरोध करता हुआ कुकी समाज आज अपनी अंतिम लड़ाई की तरफ बढ़ रहा है। लेकिन इन सब के बीच में जो सबसे बड़ा चौंकाने वाला आंकड़ा ये है कि वहां के जो विधानसभा है यानी कि भारतीय जनता पार्टी के जो विधायक हैं, जो खासतौर पर मैतेई समाज से आते हैं, दरअसल वो नहीं चाहते हैं कि कुकी समाज के जनसंहार को रोका जा सके, क्योंकि वो भी उसी समुदाय से आते हैं जो आज बंदूकें लेकर जनसंहार और बलात्कार और गैंगरेप कर रहा है। शायद इन्हीं विधायकों का एक दबाव है केंद्र सरकार पर, जिसकी वजह से माननीय नरेंद्र मोदी जी पिछले 80 दिनों से अपने मुंह में दही जमा कर बचाए हुए थे, रोके हुए थे। वो नहीं चाहते थे कि मणिपुर के अंदर सरकार गिरे और इस तरह से मैतेई समाज को नाराजगी झेलनी पड़े, क्योंकि आगामी विधानसभा में मैतेई समाज जो है एक मुश्त भाजपा का समर्थक है, उनको वोट करता है। केवल सत्ता और वोट बैंक के लालच में नरेंद्र मोदी और भाजपा की केंद्र सरकार ने अपनी आंखें मूंदी हुई थी। वीरेंद्र सिंह जो कि वहां के मुख्यमंत्री हैं, मैतेई समाज से बहुमति से आते हैं, वहां के लोगों का जनसंघ समर्थन उनके पास है, मतदान में सबसे ज्यादा वोट मैतेई समाज से उनको मिलता है। यही कारण है कि वो कुकी समाज का जनसंहार, गैंगरेप और हत्याएं होने दे रहे हैं। अब आपको समझ में आ चुका होगा कि आखिर मैतेई समाज की इतनी हिम्मत कैसे बढ़ी है, क्यों सरकारें उनके ऊपर कार्रवाई नहीं कर रही हैं। दरअसल इनके जो जनप्रतिनिधि हैं वहां के विधानसभा में हैं। अगर केंद्र सरकार इनके ऊपर कार्रवाई करे या सेना भेजे तो सबसे पहले वहां की विधानसभा में सरकार गिरने का खतरा भी भारतीय जनता पार्टी को है। सोचिए एक पार्टी कितनी निचले स्तर पर जाकर राजनीति कर रही है। लोगों की हत्याएं पिछले 80 दिनों से हो रही हैं, बलात्कार हो रहे हैं, खुलेआम सड़कों पर बेटियां नंगी घुमाई जा रही हैं, लेकिन केंद्र सरकार को केवल मणिपुर में अपनी सत्ता बचानी है, वोट बैंक को बचाना है, जिसकी वजह से वो कोई भी कार्रवाई
करने से कतरा रही है। एक निम्न स्तर की राजनीति इस देश में शुरू हुई है और भारतीय जनता पार्टी से आप उम्मीद करते हैं कि नरेंद्र मोदी जी इस पर कार्रवाई करेंगे। दरअसल ये पूरा मामला वहां के विधानसभा, मैतेई समाज के विधायक और मैतेई समाज के वोट बैंक से संबंधित है। यही कारण है कि आज भारतीय जनता पार्टी एक बेटी को नोचने दे रही है लेकिन मुँह में दही जमाए हुई है। ये तथ्य आपको कैसे लगे कमेंट करके जरूर बताएं। भारतीय जनता पार्टी ही वो एकमात्र पार्टी है जो मणिपुर को जलाने में आग में घी का काम दे रही है। उनका पूरा समर्थन वहाँ के उग्रवादियों को है जो कि मैतेई समाज से आते हैं। उनका पूरा समर्थन वहाँ के जनसंहार को है, बलात्कार को है, वहाँ की हो रही हत्याओं को है। शायद ऐसा नहीं होता अगर सही में वो संविधान और कानून की बात करते तो आज सेना भेजकर मणिपुर को कंट्रोल कर सकते, लेकिन केवल सरकार गिर जाएगी। एक सत्ता का लालच उनके दिल में पैदा है जिसको वो खोना नहीं चाहते, जिसकी वजह से वो मणिपुर को जलने दे रहे हैं। और मैं दावे के साथ कहता हूं अगले कितने ही महीनों तक मणिपुर जलता रहेगा, क्योंकि सरकारों की इतनी औकात नहीं है कि वोट बैंक सत्ता से उठकर इंसानियत और मानवता के बारे में वो सोचे। वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि मणिपुर की असलियत और सच्चाई आप तक पहुंच सके। अगली वीडियो बहुत जल्द, तब तक जय हिंद, जय महाराष्ट्र।